तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। मैं प्रजापति, आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। तो दोस्तों, पबजी में एक नई चीज आई है, कार्लो कैरेक्टर। कार्लो कैरेक्टर बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, कार्लो कैरेक्टर को कैसे अनलॉक करेंगे फ्री में। तो दोस्तों, मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आपको एक भी यूसी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप कार्लो कैरेक्टर को अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन वह कैसे और कब तक, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ढेरों सारी वीडियो मिल जाएंगी, बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन भाई, मैं आपको पूरा फाइनल बता दूंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाउ टू अनलॉक कार्लो कैरेक्टर। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक का। उम्मीद करता हूं कि आप 100 लाइक के टारगेट को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जाएंगे वर्कशॉप में, उसके बाद में जाएंगे आप कैरेक्टर में, तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है। सबसे पहले तो विक्टर वाला आया था, ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी कोई चीज नई नई आती है तो बहुत ही हम उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कोई नया फोन हुआ, कोई नई गाड़ी हुई, या तो कोई नया करेक्टर हुआ पबजी में। पहले विक्टर का आया था तो हम विक्टर का लगा के खेल रहे थे, विक्टर का करेक्टर हमको बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में आया सारा, तो भाई हम सारा को पसंद करने लगे, विक्टर भूल गए। ठीक है, अभी आ गया कार्लो, तो हम कार्लो को खेलेंगे, सारा को भूल जाएंगे। और आपको याद होगा एक अपडेट आया था पीजन वाला, ठीक है, पीजन कबूतर वाला अपडेट आया था, अभी भी है। तो यार लोग सर्च कर रहे थे, भाई कबूतर को कैसे हम अपने कंधे पे लाएं, ठीक है, कबूतर को कैसे कंधे पे लाएं। अब लोग सोच रहे हैं कि कैसे कंधे से हटाएं तो यार समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं कार्लो कैरेक्टर पे। तो आप देख सकते हैं कि यही है कार्लो कैरेक्टर, और जो इसका हेयर कट है ना, मतलब काफी कमाल का यार। और यही हेयर कट मैं कटवाता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं यही वाला हेयर कट है, लेकिन इसका ज़्यादा छोटा है। और जो इसका करेक्टर है, मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इमोट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या अगर हम अनलॉक करते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अभी लेवल 1 चल रहा है, ठीक है, अभी हमने इसको अनलॉक नहीं किया है। जब हम अनलॉक कर लेंगे तो हमारे लेवल 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको आगे जाना है। ठीक है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं लेवल 1 पे कुछ भी नहीं है, कार्लो कैरेक्टर है, ठीक है। और लेवल 2 पे आपको मिलेगा 2 वाइस, ठीक है, 2 वाइस मिलेगा और आप इसको यूज कर पाएंगे। और आपको 3rd नंबर पे मिलेगा जंप। ये क्या है भाई, हाई जंप है क्या? सॉरी यार, यह डैमेज का है, ठीक है, आपका डैमेज बहुत ही कम होगा। आपको पता होगा जब आपने सारा कैरेक्टर को, सारा कैरेक्टर के लेवल को बढ़ाया होगा, तो जो कार का, ठीक है, कार का डैमेज था, अगर आप सारा कैरेक्टर में हैं और आप कार पे बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो जो आपका कार का डैमेज है बहुत ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि सारा मैकेनिक थी। तो यहाँ पर इन्वाइट आना शुरू हो गया, ठीक है। और आपको 6th लेवल पर एक इमोट मिल जाएगा जो बहुत ही कमाल का है, ठीक है। अरे भाई मैं नहीं खेलूँगा यार। 7वें पे वही इंक्रीज होगा, 8वें पे आपको एक आउटफिट मिलेगा, 9वें पे आपको मिलेगा, 9वें पे आपको वही चीज़ मिलेगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, 24% हो जाएगा, ठीक है, डैमेज वाला। और आपको 10वें पे मिलेगा, 10वें पे, ओ भाई ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो भाई हमको 10वां चीज़ लेना है, और 6ठा का जो इमोट है वह लेना है। मैं आपको इमोट भी दिखा देता हूँ, काफ़ी कमाल के इमोट है। आप देख सकते हैं कि जो इसका आउटफिट है काफ़ी कमाल का, भाई आउटफिट काफ़ी कमाल के हैं। और जो सामने का मास्क भी है वह भी काफ़ी कमाल का है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। अगर हम इमोट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह पहला इमोट है जो लेवल 6 पे हमको मिल जाएगा, ठीक है, काफ़ी कमाल का है। और यह है, ओ भाई क्या है यार, मोबाइल वोबाइल है क्या, पता नहीं। तो ये हमको मिलेगा कुछ यहाँ पे 50 एक्सपेंड करने पे, ठीक है, ये क्या चीज़ है पता नहीं यार, तो इसको हमको बाय करना पड़ेगा। तो भाई हम एक भी यूसी खर्च नहीं करने वाले, ठीक है। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक काफ़ी कमाल का इमोट, बम वाला, ओ भाई, तो ये भी काफ़ी कमाल का है। और आपको यहाँ पे एक दिल वाला मिल जाएगा, यह भी काफ़ी कमाल का, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको यूसी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन भाई यह चीज़ तो हम अनलॉक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आप इसको अनलॉक कैसे करेंगे। देखो, यह अनलॉक तो अभी नहीं होगा, ठीक है, आप कितनी भी वीडियो देख लो अभी अनलॉक नहीं होगा। यह अनलॉक होगा 13 तारीख को, ठीक है, 10 से 13 के बीच में एक नया अपडेट आ रहा है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया,
0.17.5 का, ठीक है। तो यह वाला अपडेट लगभग 4-500 MB का रहेगा, 0.17.5 वाला अपडेट 4-500 MB का रहेगा। तो जैसे आप उसको अपडेट करेंगे 10 से 13 तारीख के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप अपडेट करेंगे तो वहां पे आपको एक मिशन मिलेगा। आपको पता होगा जब आपने सारा करेक्टर को अनलॉक किया होगा तो वहां पे नट्स थे, नट्स, ठीक है, नट बोल्ट। तो उसको हमको कलेक्ट करके कूपन खरीदना होता था, ठीक है। तो वह कूपन खरीद के हम सारा करेक्टर को अनलॉक किए थे। तो उसी तरह से यहां पर भी कुछ आएगा, नट्स आएगा या तो कुछ अदर चीज रहेगा, लेकिन रहेगा, ठीक है। तो उसी चीज को कलेक्ट करके हमको कार्लो करेक्टर को अनलॉक करना है। अब दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई जब 13 तारीख को अपडेट आया था तो अभी क्यों दे दिया। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप और हम, ठीक है, पैसे वाले नहीं है, लेकिन इंडिया में और बाहर कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यार मतलब 1000, 1200, 10000, 20000 यूसी उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा 1-1 लाख यूसी का लोग क्रेट ओपनिंग कर देते हैं। तो भाई उनके लिए यह चीज है, ठीक है, जिनके पास पैसा है और जो कार्लो करेक्टर को पहले लेना चाहते हैं उनके लिए है, वह डायरेक्ट यहाँ पे बाई करेंगे। जाहिर सी बात है वह बाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए 1300-1200 यूसी क्या है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल की है। आपको जाना है इवेंट सेक्शन में, ठीक है, इवेंट में जाना है और आपको जाना है रिकमेंडेड में, और आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा कार्लो करेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाउचर मिलेगा, ठीक है, बाउचर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कलेक्ट करना है। इसी तरह से बाउचर आपको वहां भी मिलेगा, जो नया इवेंट आएगा आपको बाउचर कलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बाउचर है, ठीक है। तो मैं इस दो बाउचर को कलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो हमें 60 का बाउचर मिल गया, और यहाँ पे एक शेयर का है, अगर आप शेयर करेंगे तो शायद आपको कुछ मिले, ठीक है। आप देख सकते हैं शेयर करने पे शायद आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, कुछ कूपन्स मिल जाएं। तो हम चलते हैं वर्कशॉप में, करेक्टर में, और कार्लो करेक्टर में चलते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था 1170 यूसी, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे था 1170 यूसी, लेकिन 90 यूसी माइनस हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको टिक मार्क हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 12 यूसी हो गया, लेकिन अगर मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ तो मेरा 90 यूसी माइनस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे बाउचर को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद में आप जब इसको परचेस करेंगे, अगर आपका 1100-1200 बाउचर हो जाता है तो आप इसको फ्री में परचेस कर पाएंगे। अगर आप मिस कर दिए, अगर आपका 1100-1100 हुआ तो आपको 150 यूसी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो फाइनली आप इसी तरह से इसको अपडेट कर पाएंगे, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। बाकी जितने लोग वीडियो बना रहे हैं ना, बनाने दो, यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 से 13 के बीच में एक अपडेट आएगा, उसमें आपको कुछ मिशंस मिलेंगे और बाउचर को कलेक्ट करना है और यहाँ से अनलॉक कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आप कार्लो करेक्टर को कैसे अनलॉक करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।